हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रिधिमा। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी लेकर आए हैं जो जुखाम में आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। अगर आप इस रेसिपी को घर पर बनाएंगे तो आप जुखाम में कभी दवाई नहीं खाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए याद से, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 6 से 7 बादाम लिए हैं, इन्हें गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। उससे क्या होगा, ये इनका छिलका अच्छे से फूल जाएगा और हम इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें निकालने में। इसी तरीके से हम सारे बादाम को छील लेंगे, फिर इस पानी को फेंक देंगे और बादाम एक जार में डाल लेंगे। हमें इन्हें एक बारीक पीसना है, आप चाहें तो इन्हें सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये जल्दी से पीस जाए और इसे बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड रखते हैं और एक पैन को गर्म करेंगे। हम 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। याद रखिए हमें घी ही यूज़ करना है, रिफाइंड या ऑयल यूज़ ना करें। इसमें 1.5 छोटी चम्मच हम बेसन ऐड करेंगे, मेजरमेंट छोटी चम्मच के हिसाब से ही बता रही हूँ। अब हम इसे लगातार भूनते रहेंगे, चलाते रहें जिससे ये अच्छे से भून जाए। लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। हमें इसे भूनने में 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं। ये देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसकी पहचान यही होती है कि ये अच्छे से भूनने लगा है जब ये ब्राउन होना शुरू कर दे। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है हमें इसे हल्का गोल्डन ही करना है। उसके बाद जो हमारा बादाम का पेस्ट है वो भी हम ऐड कर लेंगे इसी टाइम पर, जब ये गोल्डन होने लगे, और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारे बादाम भी अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसमें 1 कॉफ़ी मग के बराबर हमने दूध लिया है, ये बड़ा कप है, उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हम इसे चलाते रहेंगे, जैसे जैसे ये दूध उबलने लगेगा ये सारी गांठें खुलने लगेंगी। इन्हें चलाते रहें। अब हम इन्हें एक चमचे से चलाएंगे जिससे ये सारी गांठें आसानी से खुल जाएं, क्योंकि चमचे से चलाएंगे तो ये अच्छे से खुल जाएंगी, पलटे से अच्छे से नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए हमें पलटे की चमचे की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए जैसे जैसे ये पकता जा रहा है सारी गांठें घुलती जा रही हैं। उबलने उबाल आने के बाद हम इसमें इलायची 1 और 4 से 5 केसर के धागे डालेंगे, फिर इसे अच्छे से चला लेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे यानी कि शुगर, इसको भी चला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, और इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे। हल्का सा ठंडा होने दें इसे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें, हल्का सा ही ठंडा करें। फिर इन्हें एक बाउल में सर्व करें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अभी हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम इसे गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी से, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसे सोने से पहले आप ज़रूर खाइएगा, क्योंकि इसे खाकर आधा घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, ये तभी कारगर होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।